मानव भारती स्कूल के विद्यार्थियों की अगली समस्या थी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव एबी मानेंगे जिसके दोनों ध्रुवों पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है। बिंदु ए पर प्लस क्यू और बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है। उनके बीच की दूरी अत्यल्प 2a है। उसके बाद उसके अक्षीय बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। अक्षीय दूरी मतलब विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्ष पर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। देखो ध्यान से, ये अपने पास A और B है। विद्युत द्विध्रुव AB है। इस AB के बीच की दूरी स्मॉल 2a है। इसका मध्य बिंदु O है। स्मॉल 2a अत्यल्प है और बिंदु A पर प्लस Q आवेश है और बिंदु B पर माइनस Q आवेश है। एक द्विध्रुव AB है, इसके A बिंदु पर प्लस Q आवेश, बिंदु B पर माइनस Q आवेश है और बीच की दूरी अत्यल्प 2a है। इसका मध्य बिंदु O है। इसके अक्षीय बिंदु पर स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। देखो, मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है। अब आप ध्यान से देखो कि ये बिंदु P इस प्लस Q आवेश से कितनी दूरी पर है, तो r माइनस a। r ये टोटल हो गई, इसमें से ये घटा दोगे तो r माइनस a, तो प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी हो जाएगी r माइनस a और माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी, यहां तक r है और यहां से यहां तक a, तो माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस a। तो आपके पास माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी हो जाती है r प्लस a। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होगी, प्लस क्यू आवेश के कारण हमेशा क्या होती है, प्लस क्यू आवेश से अभिष्ट बिंदु की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इस वजह से प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ होगी, ई ए वेक्टर, समझ गए। और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव उस बिंदु से माइनस क्यू आवेश की ओर होती है। तो आपके पास माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश की ओर इस तरफ होगी, मतलब ई बी वेक्टर इस तरफ, क्लियर। अब हम बिंदु P पर पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु जो आपका बिंदु P है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताओ। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r दूरी पर E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम दिशा लेंगे, वेक्टर लेंगे, तो r कैप जो कि प्लस क्यू आवेश से अभिष्ट बिंदु की ओर और माइनस क्यू आवेश अगर है तो अभिष्ट बिंदु से माइनस क्यू आवेश की ओर, k अगर निर्वात है तो 1/4πε0। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बाकी सबको भूल जाओ, आप है नहीं, आपके पास सिर्फ प्लस क्यू आवेश है और इस बिंदुवत आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो देखो, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। बीच की दूरी कितनी है, r माइनस ए, तो r माइनस ए का होल स्क्वायर। और दिशा किधर होगी, दिशा इस तरफ है। तो विद्युत द्विध्रुव के दोनों बिंदु A और B है, तो दिशा A से B की ओर है या B से E की ओर है, B से A की ओर है। विद्युत द्विध्रुव की दिशा है
विद्युत द्विध्रुव के दोनों बिंदुओं के आधार पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है B से A की ओर। तो हमने लिख दिया बी ए के, समीकरण नंबर एक। अब इसको भूल जाओ, माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश के कारण, इसको भूल जाओ प्लस क्यू को, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई बी वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और दिशा है ए बी के। देखो ध्यान से, बीच की दूरी कितनी है, आर प्लस ए, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और दिशा किस तरफ है, दिशा किस तरफ है, इधर है। तो द्विध्रुव के दोनों बिंदुओं के आधार पर दिशा दोगे तो क्या होगी, ए से बी की ओर। तो ये हो जाती है आपके पास दोनों बिंदु आवेशों के कारण अक्षीय बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परंतु हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या हो जाएगी, दोनों का योगफल। तो मैं पहले इसको मिटा देता हूं, हाँ अब हम बात करते हैं आगे। तो देखो ध्यान से, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से हो जाएगी E वेक्टर बराबर EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर। हम समीकरण एक व समीकरण दो से यहां पर मान रख देंगे, तो E वेक्टर बराबर हो जाएगा K Q अपॉन EA वेक्टर। समीकरण एक से मान देखो, EA वेक्टर हो जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर और BA के प्लस K Q अपॉन EB वेक्टर, K Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर और AB कैप। ध्यान से देखोगे आप तो आपको BA कैप और AB कैप, BA कैप और AB कैप दोनों ही आपके लिए एकांक सदिश है, परंतु दिशा विपरीत है, इस वजह से AB कैप को मैं लिख सकता हूं बी ए कैप, या उल्टा लिख दूं आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं बी ए कैप को, ध्यान से समझो, अगर मैं, चलो ए बी कैप बराबर माइनस बी ए कैप, अब ध्यान से देखो, यहां मान रख रहा हूं ए बी कैप की जगह पर माइनस बी ए कैप, तो मेरे पास आ जाएगा E वेक्टर बराबर K Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर बी ए के प्लस K Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर और माइनस बी ए के। अब माइनस को यहां ले लेते हैं, तो E वेक्टर बराबर K Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर बी ए के माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर और बी ए के। अब अगर तुम ध्यान से देखो
तो इनमें कॉमन आ रहा है, उन चीजों को कॉमन ले लो। तो मैं अब कॉमन लेना चाहूंगा, तो मेरे पास इस समीकरण में के क्यू और बी ए कैप, के क्यू और बी ए कैप कॉमन आ रहा है, मेरे पास के क्यू और बी ए कैप कॉमन आ रहा है, तो मैं के क्यू और बी ए कैप को कॉमन लेऊंगा, तो मेरे पास आ जाएगा ई वेक्टर बराबर, ई वेक्टर बराबर के क्यू तो आगे कॉमन ले रहा हूं, तो मेरे पास बचेगा वन अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर और बी ए कैप। ई वेक्टर बराबर के क्यू, देखो एलसीएम ले रहा हूं मैं, क्या एलसीएम आएगा यहां पर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो यहां पर आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ई वेक्टर बराबर के क्यू, सॉरी यहां पर मैंने बी ए कैप नहीं लगाया, थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे, इसको मिटा देता हूं, बिंदु पी ये रहा और यहां पर लिख देता हूं दिशा के लिए बी ए कैप, क्योंकि सदिश है तो इधर तरफ दिशा तो आना जरूरी है। आप देखो इसको होल स्क्वायर को खोल देते हैं, तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू। अगर आपको लगता है कि ये जगह थोड़ी कम लग रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा बड़े अक्षर लिख के बता देता हूं, थोड़े से बड़े अक्षर लिख देता हूं, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। आप देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर, ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस टू ए आर, ये हो गया आपके पास, और आर माइनस ए और आर प्लस ए दोनों पर स्क्वायर है, तो दोनों को एक साथ स्क्वायर लिख देता हूं, और डायरेक्शन क्या है बी ए के, क्लियर, इसका होल स्क्वायर यहां खोल दिया, इसका होल स्क्वायर यहां खोल दिया। अब आगे बढ़ते हैं, ई वेक्टर बराबर के क्यू, देखो मैं कोष्टक हटा रहा हूं, ये वाला कोष्टक भी हटा रहा हूं, ये वाला कोष्टक भी हटा रहा हूं, तो मेरे पास आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस टू ए आर और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो बन जाता है मेरे पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ऊपर क्या है होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी ए के। अब देखो ध्यान से, आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर कट जाता है, प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कट जाता है, प्लस टू ए आर बन जाता है फोर ए आर। तो अगली स्टेप में मिटा के, अगली स्टेप में हम लिखेंगे, मिटा रहा हूं मैं, अगली स्टेप में हम लिखेंगे जो बचा हुआ है उसको, तो ई वेक्टर बराबर के क्यू और यहां क्या बचा है फोर ए आर बटा, यहां क्या बचा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और बी ए के। देख लो ध्यान से इस स्टेप को और इस स्टेप को ध्यान से देख लो, इसके बाद इनको जोड़ दिया मैंने और कुछ भी नहीं किया, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, मिटाने के बाद अब मैं थोड़ा सा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में
इसको चेंज करने का प्रयास करता हूं। ई वेक्टर देखो ध्यान से, ई वेक्टर बराबर के क्यू, फोर ए आर को लिख रहा हूं मैं, फोर ए आर को नहीं लिखेंगे हम, टू ए क्यू को लिखेंगे। तो आपके पास सबसे पहले तो मैं टू को, इसमें से टू को आगे लिख देता हूं और यहां पर आ जाएगा के और क्यू ए और इसका टू, टू ए क्यू और आर पीछे बच गया। उसके बाद आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और बी ए के। अब देखो ध्यान से, टू ए क्यू, टू ए क्यू बराबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी, यहां मान रख देते हैं। तो ई वेक्टर बराबर टू के पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और बी ए के, क्लियर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बी ए के यहां विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की तरफ, पी के यानी बी से ए की ओर, यहां भी बी से ए की ओर, तो बी ए के को लिख सकता हूं मैं, बी ए के को लिख सकता हूं मैं पी के। तो मेरे पास आ जाएगा ई वेक्टर बराबर टू के पी पी के सॉरी टू के पी आर और पी के अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, पी पी के परिमाण और एकांक सदिश बराबर क्या होता है, पी वेक्टर। तो आपके पास आ जाता है ई वेक्टर बराबर, ध्यान से देखो, ई वेक्टर बराबर टू के, टू के पी वेक्टर, पी पी के को मैंने पी वेक्टर लिख दिया और उसके बाद बचता है आर बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। मेन सूत्र तो ये होता है अगर सदिश सूत्र हो तो, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको पता है विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2a r की तुलना में बहुत ज्यादा छोटी है, अत्यल्प, यानी कि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 2a इज वेरी वेरी लेस देन r। इस वजह से r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लगभग बराबर r स्क्वायर। अतः यहां मान रख रहा हूं मैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लगभग बराबर आर स्क्वायर। तो आपके पास आ जाता है ई वेक्टर बराबर टू के पी वेक्टर आर बटा आर स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब टू के पी वेक्टर इंटू आर बटा आर की घात चार, आर की घात चार से एक आर कट जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा ई वेक्टर बराबर टू के पी वेक्टर बटा आर की घात तीन। परिमाण होता है आपका, केवल परिमाण लिखना हो तो ई बराबर टू के पी बटा आर क्यू और लास्ट में K क्या है, निर्वात होने की वजह से K 1/4πε0 होता है। यहां पर K जो है वो 1/4πε0, ये लिखना अनिवार्य, K का मान आपको लिखना अनिवार्य होता है। इस तरह से आपके पास किसी भी विद्युत द्विध्रुव, किसी भी विद्युत द्विध्रुव में अक्षय बिंदु पर, किसी भी विद्युत द्विध्रुव के अक्षय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है ई वेक्टर बराबर, ई वेक्टर बराबर टू के पी वेक्टर अपॉन आर क्यू। परिमाण लिखना हो तो ई बराबर टू के पी अपॉन आर क्यू। अब ये अक्षय बिंदु है इस वजह से इसको आप लिख सकते हो ई अक्ष वेक्टर, यानी कि इसको आप ई अक्ष वेक्टर बराबर भी लिख सकते हैं। तो अक्षय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
टू के पी अपॉन आर क्यूब। पी क्या है, पी का मान 2aq विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और इसकी दिशा किधर होगी, दिशा होती है पी कैप, पी कैप का मतलब बी से ए की ओर, समझ गए। अगर यहां होती बिंदु पी यहां होता तब भी बी से ए की ओर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती, ध्यान रखना। इधर हो चाहे इस प्लस क्यू आवे से इस तरफ अक्षय बिंदु हो, चाहे माइनस क्यू आवे से इस तरफ अक्षय बिंदु, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा इस तरफ ही होगी अक्षय बिंदु पर। तो इस प्रकार से हम विद्युत द्विध्रुव के अक्षय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। अब अगले वीडियो में आपको जो आपने समस्या पूछी थी निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बारे में बताऊंगा। अपने नोट्स की कॉपी को खोलनी है आपको, उसमें समझना है और इस वीडियो को देखना है। एक बार में समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार आप वीडियो को देख सकते हो और समझ सकते हो। अपने नोट्स की कॉपी को खोलने के बाद ही ये वीडियो समझ में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, ये ध्यान रखना।